हेलो गाइस, नमस्ते। रोशनी की रसोई में आप सबका स्वागत है। ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू, फूल गोभी और भट्टे की मिक्स वाली सब्जी, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा। और यहाँ मैं 1 आलू ली हूँ बड़ा साइज का, इसको भी बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। सबसे पहले आलू को डालेंगे और इसको अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे। जैसे आलू 2 मिनट भून जाएगा, जो हमारा गोभी है जिसको काट के रखे हैं, साफ करके अच्छे से धो के गोभी को भी ऐड कर देंगे। और गोभी को भी इसमें 2 मिनट भून लेंगे। जैसे 2 मिनट भून जाएगा, इसमें 1 बड़ा साइज का प्याज और इसमें डालेंगे मेथी भाजी, इसको भी बारीक काट के इसमें अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा, इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि जो गोभी और आलू है थोड़ा सा गल जाए। ढकने से ना थोड़ा सा गल जाता है सब्ज़ी। और ये जो 1 बैंगन है, यहाँ मैं 1 बैंगन ली हूँ बड़ा साइज का, इसको भी हमें काट के पानी में डुबा के रख दी थी, इसको भी ऐड कर देंगे बैंगन को। अब बैंगन को ढक के 2-3 मिनट इसको भी पकाएंगे। बैंगन को पकने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा इसको ढक के पकाएंगे ना तो जल्दी गल जाएगा। और इसमें 1 चम्मच डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें 4 से 5 टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा ज़्यादा डलता है इसमें। अब सभी टमाटर को अच्छे से ढक देंगे, ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और इसमें डालेंगे अब मसाले, तो 1/2 चम्मच में हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, और यहाँ मैं 2 चम्मच नमक डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा, और इसमें कोई भी मसाला बिल्कुल नहीं डलेगा। सब्ज़ी को अच्छे से भूनेंगे, और ये सब्ज़ी को 2-3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। और सब्ज़ी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। आप भी ऐसी बनाइए और इन्जॉय करिए मेरे वीडियो से। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये सब्जी है वो बन के एकदम रेडी हो गई है खाने के लिए। इसको रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट है। अब ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये सब्जी है वो बन के एकदम रेडी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अब ये सब्जी है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है, और सबसे अच्छी बात बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। बाय।